सुधांशु त्रिवेदी जी, खेमेबंदी पूरी हो रही है और मोदी के खिलाफ जाने के लिए प्रेरणा हर किसी को हर दिन मिलती दिखाई दे रही है। तभी तो पटना से लखनऊ पहुंच गए तेजस्वी यादव, आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और वहां की अगर मिला लीजिए तो मामला बिल्कुल फिसल सकता है 19 में। अंजना जी, आपने अच्छा बोला कि मोदी जी से लड़ने की प्रेरणा रोज मिलती दिखाई पड़ रही है। आपने इससे पहले कभी देखा था बिहार का कोई नेता आके उत्तर प्रदेश में किसी नेता के पैर छू ले? ये हकीकत है कि जितने दावे किए जा रहे हैं कि अब मोदी लहर कम हो गई, अब तो भाजपा खत्म हो गई, अगर इन दावों में रंच मात्र भी सच्चाई होती तो इस कदर सब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के लिए बेताब नहीं होते कि पटना से लखनऊ तक दौड़ रहे होते। ये इस हकीकत को रूबरू करता है कि सभी समझ रहे हैं कि अकेले दम लड़ने की सामर्थ्य नहीं है, और इसलिए सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है, कोई बात नहीं, अनेक दलों में गठबंधन हुआ, भारत की राजनीति में धुर विरोधी दलों में गठबंधन हुआ, पर ये एक ऐसी बार, ऐसा पहली बार उन दो दलों में गठबंधन हो रहा है जिनके नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जान से मारने के मुकदमे दर्ज कराए थे और वो केसेस अभी भी चल रहे हैं। यानी जानी दुश्मन एक हो जाए, ऐसा संयोग पहली बार हो रहा है। तो यह तभी होता है, तो मैं राजनीतिक संदर्भों में कह रहा हूं, जब जान पे बनाई हो। जान पे तो बनाई, इसका अर्थ यह कि जान पे उनके किसी बात का रिएक्शन लेते हैं संजय जी, जान पे बनाई है। पता है इनको, पता अच्छी तरीके से कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किए हैं और जो असुरक्षा देश के अंदर पैदा की है तानाशाही करके घमंड के द्वारा, कि पूरे देश के अंदर अब लोग, भारतवर्ष में जो लोग भी थोड़े साधन संपन्न है वो सोचते हैं कि अब कहीं बाहर व्यापार किया जाए, कहीं बाहर चला जाए, बाहर रहा जाए, ऐसी असुरक्षा भारतवर्ष में कर रहे थे। नहीं, आप अपनी बात काट रहे हैं, एक सेकंड, आप अपनी बात काट रहे हैं। अगर वो फेल हो रहे थे तो मायावती जी के साथ जाने की क्या जरूरत पड़ गई, खुद ही हारते। आज आपने जानी दुश्मन से हाथ मिला लिया। आज एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात से बिल्कुल भी नहीं हिचकी पिछले कई वर्षों से कि उसने देश को बांटने वाला प्रयास, हिंदू और मुसलमान राइट्स कराने की ऐसी घटनाएं प्रेषित करी, ऐसे माहौल पैदा किया कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान बढ़ जाए, तीसरी बार कोशिश कर रही है, तीसरी बार कोशिश कर रही है किस तरीके से देश में। अरे वो इतने बुरे हैं तो खुद ही हारेंगे, मायावती जी को क्यों आपने सामने कर लिया, क्यों उनसे गठबंधन कर लिया? बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि इस देश में सामाजिक समरसता आ रही है, समय बदल रहा है, सब लोग मिलजुल करके काम करना चाहते हैं। सामाजिक जो बंटवारा प्रेषित किया इन्होंने, आज की तारीख में दलित में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में अमेंडमेंट ला करके सवर्णों में, बैकवर्ड में सबको बांटने का प्रयास किया, हिंदू मुसलमान ये पहले ही बांट चुके, तो आज की तारीख में बहुत अच्छा है कि ऐसे सब लोग मिल जाए। और जब हम कहते हैं सपा बसपा मिल गया तो ये लहर तो उत्तर प्रदेश से निकली है, पूरे देश में जाएगी। आने वाला समय समाजवादी पार्टी और बसपा, आने वाला प्रधानमंत्री इस भारतवर्ष के अंदर तय करने जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। जब से ये गठबंधन हुआ है तब से इनके नीचे से जमीन खिसक गई है और इनको पता नहीं है कि आगे रोज किस तरीके के। पहले इन्होंने 5 साल में बहुत ढेर सारे गलत निर्णय लिए, नोटबंदी की, बगैर कंप्लायंस वाली जीएसटी लगाई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में अमेंडमेंट किया, सामाजिक समरसता आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। त्रिवेदी जी, जल्दी से छोटा सा जवाब फिर मैं आ रही हूं। आज सुधांशु को पता है कि भाजपा पूरी तरह घबराई हुई है और भारतीय जनता पार्टी खुद आज बंटवारे की स्थिति में पहुंच गई है, भाजपा खुद बंटना चाह रही है, लोग मोदी जी के बिल्कुल खिलाफ इनकी पार्टी में, बीजेपी बंटना चाह रही है, डर रहे थे, आज जो सामने है संघप्री, गौतम, नितिन गडकरी जैसे लोगों ने सामने आकर के बता दिया है कि अब मोदी नेतृत्व नहीं चाहिए, भाजपा में भाजपा नेतृत्व ही नहीं चाहिए, इसलिए आज ठीक है सुधांशु जी, नेतृत्व उत्तर प्रदेश से आने वाला है। समझ गए सुधांशु जी। देखिए, सामाजिक समरसता की बात समाजवादी पार्टी कहे तो बहुत समाजवादी पार्टी राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी है, अरे और आप अपनी नीति विजन मिसिंग भूल चुके हैं परिवार के साथ, भारतीय जनता पार्टी अपना दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, अरे भाई संजय जी, अपने अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए, अपने अपने टर्न पे, अपने अपने टर्न देश पे। और दूसरी बात देखिए, संजय जी के मुंह से क्या निकल गई, निष्कासित लोग थे, अपराधी उत्तर प्रदेश का, शिवपाल जी का उसकी फोटो चल रही है बीच में, अरे इसीलिए तो बताया ना शिवपाल जी, अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, अगर आप जाना चाहते थे और समाजवादी पार्टी नेता, अरे प्रभु एक सेकंड, एक सेकंड, आगे बढ़ना बहुत मेहमान है सर, बढ़िया आगे, हाँ। देश बढ़ना चाहता है, यही लोग रोके हुए हैं भाजपा।
हाँ, अब मैं कह रहा हूं इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, गठबंधन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, देश भर में जाएगा और यह प्रधानमंत्री तय करेगा। और अखिलेश जी ने कहा था प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा, तो आप ये बता दीजिए संजय जी, सिर्फ इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश से जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अखिलेश जी के दिमाग में है वो महिला है या पुरुष, सिर्फ इतना बता दीजिए। अभी देखिए अंजना जी, इतने में ही दाएं बाएं करना शुरू हो जाएंगे। भारत वर्ष का नागरिक होगा वो, किसी प्रदेश का या किसी लोकसभा का बेटा नहीं होगा। और मैं हिम्मत कहता हूं अगर है तो गदौलिया के गड्ढे अभी भी याद कर रहे हैं, गदौलिया के भगवान जब शिव के यहाँ दर्शन करने जाते हैं ना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि देश के अंदर राम मंदिर बने, क्योंकि आप जो विवाद जो पैदा किया हिंदू मुसलमान का वो जड़ से खत्म हो। लेकिन और भी मेहमान है, तो बजरंगबली को दलित बता चुकी, जाट बता चुकी, अब बचा क्या देश में आपको बांटने के लिए। आपकी बारी हो तभी बोलिए संजय जी, क्योंकि एक बार आप लगातार बोलते चले जाते हैं फिर रुकते नहीं है। एक बार जरा सुना देते पवन खेड़ा जी, आप भी जरा सुनिए। पवन खेड़ा जी, अखिलेश यादव से सैटरडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन भी पूछा गया था कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आप किसको साथ देंगे, उन्होंने क्या कहा, और आज एक बार फिर इस सवाल पर कुछ कहा है, लेकिन कांग्रेस उनके मेमोरी डिस्क से एकदम गायब है। सर पहले सुनिए फिर आपकी प्रतिक्रिया। कल एक इंटरव्यू में आपने मायावती जी की बहुत तारीफ की थी और आज भी आपने कहा कि आपसे ज्यादा अनुभवी है, चार बार की मुख्यमंत्री हो चुकी है, क्या उस कोई स्थिति बनेगी कि मायावती जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे? आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा। और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। कॉन्फ्रेंस का हिस्सा आपको दिखा किनसे, कहा बिहार में, तो कांग्रेस के साथ तो हमारा तो पहले से ही है ना। अरे भाई नाम नहीं बताइए भैया, आप सोचिए इसमें एक ही अच्छा है कि नया प्रधानमंत्री बने। देखिए जो है वो नहीं होने जा रहा। देखिए ये देखिए ये हम ही नहीं चाहते हैं, और मैंने कई बार कहा है कि आप में से भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नई सरकार हो, नए प्रधानमंत्री हो। यूपी से तो होगा ना। और देखिए नए साल पे अगर नया प्रधानमंत्री तो कितना अच्छा लगेगा हमें और आपको। नहीं यूपी से ही होगा ना, यूपी से ही। क्या बता रहे हैं आप? देखो आप लोग देखिए कई चीजें हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो आप लोग निकाल लेते हैं। उनके नाम में हमारा नाम था, जो एक अखबार ने छापा इंग्लिश में MAYA, तो दोनों का गठबंधन देखिए कैसा है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन पवन खेड़ा जी एक रिएक्शन आपसे इस पर आगे बढ़ने से पहले, मतलब कांग्रेस तो जैसे मेमोरी डिस्क से ही गायब है, इस काबिल भी नहीं समझ रहे कि कहीं आपका जिक्र हो। नहीं नहीं, जब बात उन दोनों की चल रही है तो उसमें क्यों कांग्रेस का नाम होगा, मुझे ये बताइए। अब उन्होंने अलायंस किया है, उनका अधिकार है कि वो अपनी बात कहें, वो अपनी चॉइस रखें। एक बात से हम बिल्कुल अखिलेश जी की बात से हम सहमत हैं कि नया प्रधानमंत्री होगा, नई सरकार होगी, और बिल्कुल ये बात भी उनकी गलत क्या है कि भाई उनका समर्थन होगा, उनके समर्थन के बगैर नहीं होगा, बिल्कुल उनका राइट है ये बोलने का, उसमें मुझे कोई राजनीति नहीं दिख रही, बड़ी स्पष्ट बात है उनकी। चलिए ठीक है, एक बार जरा मैं अब शक्ति यादव जी के पास जाना चाहती हूँ। शक्ति यादव जी, हाथी पर लालटेन और लटक गया लालटेन, जरा आपको हाथी पर साइकिल माफ कीजिएगा, लटक गया लालटेन, जरा ये तस्वीर दिखाइए जो पैर छूने वाली है, और उसके बाद जो कहा है वहां पर मौजूद तेजस्वी ने मायावती के सामने, वो आपको सुनाते हैं फिर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। जरा सुनिए, मार्गदर्शन के लिए अब उनको मायावती चाहिए। तेजस्वी जी, सपा बसपा के प्रचार के लिए आप आएंगे जरूर, पड़ी तो देखिए। सबसे पहले तो देश में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, जो देश में जिस प्रकार से
बाबा साहब के संविधान को मिटा करके नागौरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, और जिस प्रकार से देश के हर एक लोगों का एक आस था कि यूपी में क्या होगा, क्योंकि जो भी दिल्ली जाएगा बिहार यूपी होते हुए ही दिल्ली में काबिज करने का काम करेगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो नज़रें जो थी यूपी पे केंद्रित थी, और जिस प्रकार का कदम बहन मायावती जी ने और अखिलेश जी ने जो गठबंधन मिला करके जो लड़ने का काम किया है, इसके लिए पूरी देश की जनता में काफ़ी खुशी है, और ख़ास तौर पे जो बहुसंख्यक आबादी है इस फैसले का स्वागत करती है, और मजबूती के साथ जो है जो चुनौतियाँ हैं इसको सामना करने का काम करेंगी। और हम तो सबसे छोटे हैं, हम तो बधाई देने आ गए, जन्मदिन के अवसर पे भी एडवांस में देने आ गए, और आशीर्वाद लेने भी हम आए हैं कि बहन मायावती जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहे, और जो चीज़ें हैं आगे परिपक्व एक नेता है और इनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे। क्या सपा के गठबंधन के बाद ही आशीर्वाद लेने आए हैं? जो है हम लोग चाहते हैं कि इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इनके स्टेटमेंट से बयानों से, तो इनसे मौका मिल रहा है बात करने का तो कौन छोड़ेगा, और सारी चीज है सीखना, अब इन्हीं लोगों को देख करके हम लोग। तेजस्वी जी, शक्ति यादव जी जो ये मार्गदर्शन लेने के लिए आए हैं, अगर ये गठबंधन नहीं होता तब भी पहुंचते क्या पटना से लखनऊ? हैप्पी बर्थडे कहने कल है, हालांकि बहन जी का भी और शायद भाभी जी का भी। अंजना जी, डिंपल यादव, हाँ अंजना जी, ऐसा है कि मजबूत कोई परिपक्व नेता जिसने लंबी राजनीति देखी हो देश की, सामाजिक सौहार्द की, उससे अगर कोई अपने आशीर्वाद लेता हो और सिकंदरा के रास्ते पर चलने की बात करता हो तो ये तो यथार्थ प्रकटीकरण है, इसमें कोई राजनीति की बू नहीं आती। सवाल साफ साफ ये है कि देश की हालात पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खिलाफ है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती अंजना जी, आपने तो पूरी हिंदी पट्टी की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति को देखा है, मुझे कभी कभी यह समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम मास्टर स्ट्रोक कहलाता है, और अगर कोई विपक्ष करता है तो उसमें कई गणित जोड़ने की बात लोग कर देते हैं। और दो तीन दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अमित शाह जी का पूरा फोकस, प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस इस गठबंधन की ओर लगातार इशारा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हमारा बिहार के अंदर में है, आप जानते हैं कि बिहार और यूपी झारखंड मिला के 117 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और इन्होंने टेस्ट देखा है दोनों अलायंस का, फूलपुर में और गोरखपुर में, इसलिए इन चीज़ों से घबराहट होना स्वाभाविक है, और ये घबराहट इस बात का की ओर इशारा करता है। और तेजस्वी जी ने जो बातें कही कि बिहार और यूपी के रास्ते होती है दिल्ली में दाखिला, यह भी स्पष्ट तब में है। तो देश में जो हालात है लोकतंत्र, और ये दूसरे को नसीहत देते हैं, अरे भाई आपके कार्यक्रमों से आहत होकर के मुफ्त चले गई, कहाँ के लोग चले गए, चंद्रबाबू नायडू कहाँ चले गए, असम गण परिषद कहाँ चले गए, मुफ्ती महुआ कहाँ चली गई, कहाँ चले गए उपेंद्र कुशवाहा, अपने कुनवे के अंदर में जहाँ लार्जेस्ट अलायंस बना करके आपने नहीं समझ करके रखा, और शिवसेना ने जिस तरह से आपको आईना दिखाया है, तो हिंदी बेल्टों में आपकी घटती आभा, अब लाख प्रयत्न कर ले देश नए प्रधानमंत्री की ओर बढ़ा है अंजना जी, स्वाभाविक तौर में नए साल में नए प्रधानमंत्री की ओर है, और जो बड़ी लीजिए एक नया नारा निकल गया, नया साल नया प्रधानमंत्री। एक भी एक बात बताइए अजय आलोक जी, आप तो एक ऐसे साथी हैं जो बार बार रुकते हैं फिर मान भी जाते हैं फिर आ जाते हैं, लेकिन उनका ये उनकी ये शिकायत है कि मोदी जी करें तो मास्टर स्ट्रोक और अन्य पार्टियां करें तो ये डर गए हैं जी, देखो मोदी जी से डर गए हैं इसलिए सब मिल रहे हैं। क्योंकि मोदी जी डराने का ही तो काम कर रहे हैं पिछले 5 वर्ष से, सबसे पहले नोटबंदी करके गलत फैसला लिया, खुश किया मास्टर चाणक्य की नीति कहती देश अमेरिका को कि जब एक राजा के खिलाफ आप डर गए वो शत्रु लड़ते हो, अब तो तोते का इस्तेमाल वो शत्रु इकट्ठा हो जाए, केस लालू यादव जी ने कर लिया उपयोग, अगली बारी पे बोल लीजिएगा इसका क्या मतलब। अरे रुक जाइए सुनिए सही, चाणक्य नीति कहती है अंजना जी, जी सारे शत्रु जो आपस में झगड़ते हों वो एक हो जाए एक राजा के खिलाफ तो समझो कि राजा सही है। अरे वाह। बहरहाल जिस बेशर्मी से आज समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या आप बेशर्म नहीं है इस देश को बांटने वाली जम्मू कश्मीर की पीडीपी मास्टर स्ट्रोक था भाई, शहीद के साथ बिल्कुल 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 मास्टर स्ट्रोक, शर्म नहीं आती कि जब एक राजा ने सर जब एक यादव राजा ने
कांग्रेस की बात कांग्रेस को धकिया के बाहर किया तो बिहार से एक और युवराज उठ के गए बुआ से मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात ये कांग्रेस पार्टी की है कि कांग्रेस बिहार की उत्तर प्रदेश की तर्ज पे कहीं बिहार से भी तो कांग्रेस को धकिया नहीं देंगे। नंबर एक। नंबर दो, समाजवादी पार्टी के संजय जी इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आज हरिओम यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के संबंधी हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और खुद आजम खान ने जो आज अच्छे अच्छे शब्द बोले हैं उससे साफ पता चलता है कि समाजवादी पार्टी ने अपना नाम अपना बहुजन समाज पार्टी में विलय कर दिया, और बहन जी ने बीएसपी का नया नामकरण कर दिया बहुजन समाज पार्टी की जगह बेशरम समाजवादी पार्टी। तो बहुत अच्छा यूनियन जा रहा है उत्तर प्रदेश की, 22 करोड़ की जनता यह यूनियन को देख रही है कि एक समय नारा देने पर गुंडे गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मोहर लगी कहां, हार भी निकल गया। तो चिंता हमारे लिए यही नहीं, एक एक करके कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस को अवकाश दिखाई जा रही है, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी का नौकरी करता ढूंढ रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है। अरे मत करो ऐसी नाइंसाफी कि देश खराब हो जाए। दिक्कत इन लोगों की है, भूखा मर रहा है, भूखा मर रहा है। एकदम हाथ मिलाइए, क्या करोगे, मजबूती से हाथ मिलाइए।